और नाल ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया आ कि भारत की तो कतर की संधि है कि जे कतर दे विच किसे नूं सज़ा हो जाती है तो एक साल बाद उतों के जिहड़े शेख ने उन्हूं भारत विच भेज सकते ने जां भारत सरकार उन्हां नूं सज़ा कटन वास्ते भारत च मंगा सकती है कि अठ भारतीय साबका सैनिकां जिन्हां नूं फांसी की सज़ा हुई सी उहदे उत्ते कतर दे विच साडी सरकार दे यतना करके रोक लगी है। मैनूं तां बड़ी खुशी हुई और सब तो वध खुशी किहनूं हुई होगी उन्हां दे परिवारां नूं उन्हां दे बच्चियां नूं मापियां नूं जो परिवार दे जी होणगे उन्हां नूं होई होगी। जिहड़ी आप दी शक्ति सीगी पंजाब दी शक्ति सी जिहड़ी खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंजाब दे हक्कां दी ते पंथक हितां दी राखी करदी सी कमज़ोर हो गई। सुखबीर सिंह बादल होरां वल्लों जिहड़ी फराक दिली दिखाई गई है जिस तरीके नाल उन्हां ने सारिआं नूं बेनती कीती है ते मेरा ख्याल है कि लगभग जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे विच्चों जिन्हें भी लीडर साहबान जां आगू साहबान बाहर गए सी वो सारे भौं के हिस्सा बन गए। इन्हां ने अगले बन्ने फ्रंट दे उत्ते जिहड़ी झाकी दा सीगा उहदे उत्ते एक बन्ने भगवंत मान की फोटो तो दूजे बन्ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की फोटो जी उस झाकी पर लाने की प्रपोजल रखी सी। सत्र दे विच अठ साबका सैनिक देश ध्रोह दे विच अगस्त 2022 गिरफ़्तार होंदे ने। देश ध्रोह करन करके कतर दे कानून दे मुताबक 26 अक्तूबर 2023 नूं फांसी की सज़ा दे दित्ती जांदी। जदों भारतीय कैदी खास करके जिन्हां नूं मौत की सज़ा हुंदी है जे किसी का कतल होया आ ते उहनूं उहदा मुल तार के ते फांसी दे जिहड़ा सज़ा दा हुंदा कैदी उहनूं रिहाई मिल जाती है। इहो जिहियां एग्जाम्पल्स उदाहरणां कई हुई हैं कि अठ साबका भारतीय सैनिकां नूं इजराइल वास्ते कतर दी जसूसी करन दे दोष देश ध्रोह करन दे दोष फांसी की सज़ा उत्थों की अदालत ने दित्ती सी कि जिहड़े अठ भारतीय साबका सैनिक ने जिन्हां नूं फांसी की सज़ा हुई सी उन्हां दी फांसी की सज़ा दे उत्ते रोक जिहड़ी है वह विदेश मंत्रालय दे ते भारत सरकार दे जिहड़े कूटनीतिक यतन ने उन्हां करके लगी है। सज़ा सुनाई गई थी उत्थे उन्हां दी इस सज़ा नूं माफ भी कर दिता गया। इस संबंध दे विच कल उन्हां दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ते अपनी खुशी भी जाहिर की गई। इसे नाल ही उन्हां दे वल्लों केंद्र सरकार दे अगे ए बेनती भी की गई कि बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई जल्द तो जल्द काम करना शुरू कर दिता जाए जिते कि उन्हां दे वल्लों ए कहा गया है कि जिवें कि साबका सैनिकां दी सज़ा माफ होण ते उन्हां दे परिवारां नूं खुशी मिली होएगी उसे तरीके दे नाल जेकर केंद्र सरकार बंदी सिंघां दी रिहाई दा कार्य शुरू कर दिंदी है अते उन्हां नूं रिहा कर दिंदी है तां उन्हां दे परिवारां नूं भी इसे तरीके दे नाल खुशी होएगी। नाल ही उन्हां दे वल्लों इह अपील कीती गई है कि केंद्र सरकार नूं जल्द तो जल्द बंदी सिंघां दी रिहाई दा काम शुरू कर देना चाहीदा है। सब तो पहलां सारे ही मीडिया कर्मी वीरां दा बहुत धन्यवाद। अज बड़ा गंभीर मुद्दा है जिथे खुशी वाला भी है उत्थे नाल ही देश दी केंद्रीय सरकार नूं सिखां दे अलांभे दे तौर ते भी है।